न्यूजीलैंड की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है। हमने 20 दिसंबर को दिखाया था कि किस तरह स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव शाह अपनी जिंदगी मुफलिसी में गुजार रहे हैं। खबर दिखाए जाने के बाद मदद के लिए प्रगति सेवा आश्रम के सचिव ने मदद का हाथ बढ़ाया। प्रगति सेवा आश्रम ने तत्काल मदद की और आगे भी मदद का भरोसा दिया है। के माध्यम से इनके बारे में पता चला और मैं धन्यवाद देती हूँ न्यूज़ 11 का कि उन्होंने इनके बारे में एक न्यूज़ प्रसारित किया जिसके माध्यम से हम यहाँ पे पहुँच पाए। और इनकी स्थिति और इनके बुढ़ापे को देख के काफ़ी मन का चोट रहा है कि जिनके वजह से आज हम लोग आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, आज वो वृद्ध व्यक्ति वृद्धा पेंशन हो या स्वतंत्रता सेनानी की जो पेंशन योजना हो या जो सरकारी योजनाएँ धरातल पर उतरी हैं और लोग लाभ ले रहे हैं उनसे ये वंचित है। और जिन कारणों से ये वंचित है उनको देखते हुए मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि उनको दूर करके इनकी योजनाओं को जो इनका बंद हो पड़ा है उसे चालू करवा सकूं। साथ ही साथ बहुत मन का चोट रहा है कि इस वृद्ध उम्र में जब इनके बाल बच्चों को इनका देखभाल करना चाहिए था, इनका ख्याल रखना चाहिए था, वो लोग इनकी संपत्ति को लेके और इनको यहाँ पर अकेले छोड़ दिए हैं। और इस उम्र में जब इन्हें आराम और सेवा की जरूरत है तो ये अकेले अपने जीवन यापन करने को मजबूर है।